मानसून पर आज के मौसम समाचार के 10 बड़े अपडेट। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि भारत के लगभग सभी राज्यों तक मानसून पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 25 राज्यों में अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। और देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान ही हिमाचल के मंडी में 20 घंटे में दूसरा लैंडस्लाइड हुआ। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। और देश के अलग अलग 6 राज्यों में 22 लोगों की जान चली गई। बीते दिन देश भर में हुई भारी बारिश आंधी तूफान की वजह से हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। वहीं राजस्थान में बिजली गिरने के अलग अलग हादसों में 4 लोगों की जान भी चली गई। मुंबई में 2 इमारतों का हिस्सा गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में हालात देखिए आप। जयपुर, सीकर समेत 18 जिलों में भारी बारिश चल रही है। कोटा में 5 इंच से ज्यादा बरसात, टपकने लगी सबसे बड़े अस्पताल की छत भी पानी में, बाइक, स्कूटी वगैरह, कारें भी बह रही है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बाढ़ से हालात बन गए। राजस्थान के जयपुर की लाइव फुटेज हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दमोह में शादी का टेंट गिरा, 8 लोग घायल हो गए, एक गंभीर है। बैतूल में 4.5 इंच से भी ज्यादा पानी बरसा। अच्छा, मानसूनी बारिश से कई नदियां भी उफान पर चल रही हैं। हरियाणा पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है। नदी के दोनों तरफ 20 मीटर एरिया में जाने से रोक लगा दी है प्रशासन ने। ये देख सकते हैं हरियाणा पंचकुला के अंतर्गत घग्गर नदी सहित 4 प्रमुख नदियां बहती हैं जो काफी ज्यादा उफान पर चल रही हैं। यानी मानसून की शुरुआत में ही काफी अच्छी बारिश यहां पर देखने को मिल रही है। वैसे हरियाणा में आज भी 7 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। अलग अलग स्थानों पर रात से बूंदाबांदी जारी है और 9 अन्य जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। बात करें उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो यहां लखनऊ, झांसी, सहारनपुर में तेज बारिश हुई। मेरठ में गंगा पुल की अप्रोच रोड भी बह गई। बिजनौर में 205 mm बरसात हुई। गाजियाबाद में भी पानी की बरसती कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। जी हां, ये तस्वीर देखिए जरा दोस्तों, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। यहां कल हुई भारी बारिश में हस्तिनापुर बिजनौर को जोड़ने वाला गंगा पर बना पुल अप्रोच पूरा बह गया। किस तरह से बीच में दरार और खाई सी आ गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, भारी बारिश की वजह से भूस्खलन से अवरुद्ध सड़कों को साफ करने के लिए अभियान चलाया गया। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में भी येलो अलर्ट जारी किया है आज बारिश को लेकर। वैसे हिमाचल में पिछले 4 घंटे से बारिश जारी है लगातार। मैंने आपको बताया ना, लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से नेशनल हाईवे भी काफी देर से बंद है, 20 घंटों से बंद है। 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, टूरिस्ट परेशान है, भूखे प्यासे कटी रात। पंजाब में भी मौसम विभाग का कहना कि समय से पहले पहुंचा मानसून, तापमान में 3.5 डिग्री की गिरावट देखी गई। पंजाब में भी 5 दिन बारिश का हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जम्मू इंडिगो फ्लाइट 2 बार पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसी। खराब मौसम की वजह से 15 मिनट तक वहीं रही, बाद में इसे पंजाब अमृतसर में लैंड करना पड़ा। तो इधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश से 2 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रियों को भी अलर्ट किया और अभी उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा पर भी रोक लगा दी है। देखिए हरिद्वार में भी भारी बारिश से सड़कें तालाब जैसे बन गई। धर्मनगरी में जलभराव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और राजस्थान के भी 11 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से। ओडिशा राज्य के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। दिल्ली के लिए भी चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिन झमाझम बरसात के आसार है। प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी है। राजस्थान में अगले 120 घंटे बारिश का दौर जारी रह सकता है। तो ये तो अलग अलग राज्यों के मौसम के हाल मैंने आपको बता दिए। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, तो देखिए अगले 24 घंटों में कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिम भारत में भी बारिश हो सकती है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके राज्य का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम के महत्वपूर्ण न्यूज से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।